اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون व रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखें आपको पता है हम सूरह यासीन पढ़ रहे हैं और उसको सीख रहे हैं और अभी जो मैंने आयत तिलावत की वो आयत नंबर थर्टीन और फोर्टीन थी आयत नंबर थर्टीन पे पहले हम देखते हैं और फरस्त करते हैं और सीखते हैं वक़ और बयान करो लहु उनके लिए मल एक मिसाल अहाबलकर बस्ती वालों की इस जब जाहा आए उनके पास अलमरसल रसूल अब अल्लाह सुबहाना मिसाल के ज़रिए से एक बात समझा रहे हैं और मिसाल भी किसकी दी है अल्लाह ताला ने एक बस्ती वालों की मिसाल दी है कि Uh, क्या हुआ उन बस्ती वालों के पास के उन बस्ती वालों के पास कुछ रसूल अल्लाह ताला ने भेजे आए उनके पास रसूल रसूल कौन होता है जो अल्लाह का पैगाम लेकर आता है जो मैसेंजर होता है अल्लाह ताला ने उनको भेजा होता है कि जो मैसेज हक बात का सच बात का कन्वे करना है वो फलाना बस्ती में पहुंचाना है या लोगों को पहुंचाना है या किसी इलाके में पहुंचाना है तो वो उसको पहुंचाएं तो अब क्या हुआ आयत नंबर 13, 14 में देखते हैं इस जब और सलना भेजा हमने इलाहिम तरफ उनके इस नई दो को फकर दबू हम तो उन्होंने झुठला दिया उन दोनों को फाज ना तो कुत दी हमने विशाल साथ तीसरे के फकोलू तो उन्होंने कहा इन्ना बेशक हम इलाकुम तुम्हारी तरफ मोरसलून भेजे हुए हैं तो क्या हुआ था कि अल्लाह सुबह तला ने एक बस्ती की तरफ कुछ रसूल भेजे तो उनमें से कितने रसूल भेजे पहले दो रसूल भेजे और वो रसूल उनका काम क्या था कि अल्लाह ताला की पैगाम को पहुँचाना तो उन्होंने बस्ती वालों को अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया लेकिन बस्ती वालों ने क्या किया फ़कर तो उन्होंने झुठला दिया उन दोनों को दोनों की बात ही नहीं मानी और उन्होंने हक बात सुनने से ही इनकार कर दिया और फिर क्या हुआ अल्लाह त फायज ना भी फालस तो अल्लाह ताला ने तौत दी उन रसूलों को आ कैसे क़वत दी एक तीसरे रसूल को भी भेजा ताकि उनकी जो उनका पैगाम सब तक पहुंच जाए क्योंकि अल्लाह ताला का तो तरीक़ा नहीं है कि वो किसी को हक बात ना पहुंचाए और उसको हम पेजाब आ जाए ऐसा तो नहीं होता अल्लाह तूरी पूरी, पूरी इंसान को समझाने की हर तरह से कोशिश करते हैं लोग रसूल भेजते हैं और हक बात भेजते हैं तो जब अल्लाह सुबहान तला ने तीसरे के साथ मदद की तो रसूल थे उन्होंने क्या कहा? कहाकू तो उन्होंने कहा इन्ना बेशक हम इलेकुम तुम्हारी तरफ मुरसलून भेजे हुए हैं बस्ती वालों से कहा कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूल हैं हम अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहेंगे आपको पता है जब अल्लाह की बात पहुँचानी होती है तो बहुत गौर से ध्यान से सही बात पहुँचानी होती है कोई अपने दिल से बात नहीं कर सकते कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो कि अल्लाह ने नहीं कही हो और हम कह दें कि ये अल्लाह ने कहा है तो वो भी अल्लाह के रसूल थे उन्होंने कहा कि हम तो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं हमें तो अल्लाह ने पैगाम भेजा है और तुम क्या करो बात मान जाओ ठीक है तो ये बस्ती थी जिसकी तरफ अल्लाह तला ने रसूल भेजे और फिर हम आगे देखेंगे कि फिर क्या हुआ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته